हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं वॉइस क्लियर है क्या? मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू रोड टू लवासना। तो टुडे वी विल बी डीलिंग विद करंट अफेयर फॉर एनवायरनमेंट। आज हम लोग करेंट अफेयर करेंगे एनवायरनमेंट का, दिसंबर मंथ का कंप्लीट। ओके, तो लास्ट जो क्लास थी वो तो हमारी इनकम्प्लीट रह गई थी बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू। तो वी विल कंप्लीट दैट क्लास टुडे इटसेल्फ। ओके, तो दिस सेशन इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय मी आदित्य। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे हो गए। मैं यहाँ से करना है, ठीक। तो वी विल सॉल्व दिस एमसीक्यू राइट राइट हियर सेल्फ एंड देन वी विल गो थ्रू द सॉल्यूशन। ओके, तो प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। रिसेंटली अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग हैज बीन सॉट फॉर वन ऑफ द कॉस्टलियस्ट मशरूम इन द वर्ल्ड दैट ग्रोज इन सम पार्ट ऑफ इंडिया। इट इज फाउंड इन द, ये बताना है कि ये जो मशरूम है जो कि बहुत कॉस्टलियस्ट है इसको जीआई टैग भी मिला है, तो ये किस सीजन में पाया जाता है? टेम्परेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल मॉइस्ट एवरग्रीन, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट में से कहाँ ये मशरूम जो है वो फाउंड होता है? तो इफ यू वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन प्लीज यू कैन कमेंट बॉक्स। I think nobody wants to answer this. Just bring it saying. So, Shida is also saying it. Correct answer is A. Now, what is GI tag? GI tag क्या है? GI tag एक geographical indication tag होता है किसी भी region के लिए, मतलब वहाँ पे कोई special चीज अगर ग्रो हो रही है या बिल्ड हो रही है तो उसको एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल जाता है। इसकी नोडल एजेंसी जो होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स होती है। तो ये जीआई टैग के बारे में याद रखना और फिर हम इसका आंसर ये था। तो ये जो मशरूम है ये है, ये मशरूम की पिक दिख रही है आपको। देन ये जो जीआई टैग है ये कश्मीर में ये मशरूम ग्रो होता है इसलिए वो टेम्परेट रीजन में आ जाता है और इसको गुच्छी या मोरे बोलते हैं। इट्स अबाउट 20,000 पर केजी। तो इट्स फाउंड इन टेम्परेट फॉरेस्ट में मिलता है और इसकी कुछ मेडिसिनल या एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से ये बहुत कॉस्टलियर होता है। एंड इसको अभी जीआई टैग मिला है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यमुना रिवर। ये यमुना रिवर के बारे में बताना है। द रिवर यमुना इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर नियर बंदरपुंच पीक इन द मसूरी रेंज ऑफ द हायर हिमालय इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। इट मीट द गंगा एट द संगम इन प्रयागराज उत्तर प्रदेश आफ्टर फ्लोइंग थ्रू उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश दिल्ली एंड हरियाणा। So we have to mark correct answer in this and the options are 1, 1 only, 1 and 2 and 1 and 3 and 1, 2, 3. So we have to mark the correct answer in this. So anybody who would like to answer this question, please answer this.
एनवर सर इज सेइंग टू का डाउट है, जस्ट ब्रिंग इट सेइंग डी. सो द करेक्ट आंसर इन दिस इज सी, बट इट वाज नॉट ड्यू टू बंदर बूट्स. दिस वन इज करेक्ट, ये करेक्ट है कि बंदर बूट्स से ही ओरिजिनेट होती है, बट ये जो रेंज जो है वो हायर हिमालयस नहीं है, ये लोअर हिमालयस रेंज. ठीक है, तो इस वजह से सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है हमारा. तो बाय एलिमिनेशन वी विल हैव टू ऑप्शंस, वन ओनली एंड वन इन थ्री. सो फर्स्ट इज करेक्ट, एवरीबॉडी नोस, एंड सेकंड इज आल्सो करेक्ट, थर्ड इज आल्सो करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर इज दिस इज सी ओनली. सो नाउ वी विल गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन अबाउट यमुना रिवर. द यमुना रिवर इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेटमेंट. Originate from Yamunotri Glacier near Bandarpur Peak in Mussoorie Range of Lower Himalaya. So this was the key. So that's why second was wrong, and we can get our answers. Now we will move to the next question. Up till now, all of you are clear with this. So this is the next question. Please solve this question. Consider the following statement with reference to Commission for Air Quality Management, CAQM. And the statement are, it was formed by an ordinance in October 2020. CAQM, which is Commission for Air Quality Management, will supersede all existing bodies, including CPCB, Central Pollution Control Board. Only the NGT and not civil court authorized to hear cases where the commission is involved. जहाँ पर ये commission involved है वहाँ पर सिर्फ NGT और civil court के पास power नहीं है उस cases को सुनने की. So which of the following are correct? मतलब मैं बताने कौन सा correct है. So the options are 1 and 2, 2 and 3, and 1 only, and 1, 2, 3. So please answer this question in comment box, because it is very important for this prelims. Anjali is saying D. Anybody who want to answer this? So the correct answer in this is D. Jim is saying B, but the correct answer is D. We'll look for the solution here. Body hai, the Commission for Air Quality Management, ye October mein ordinance ke through bani thi. Ye wala statement hamara correct hota hai, theek hai? And second option, CAQM will supersede all existing bodies including CPCB. Actually ये जो body है CAQM, ये form हुए especially for NCR region. तो ये क्या है, क्योंकि बहुत pollution होता है NCR region में, ठीक है, तो इसके लिए special dedicated ये body बनाई गई है और ये supersede करेगी सारे bodies के decisions को including CPCB. तो ये जो दिल्ली में जो है, तो ये जैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी सुपरसीड करेगी ये, एंड ये जो दिल्ली है इसके एडजॉइनिंग जो भी स्टेट्स हैं लाइक हरियाणा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, तो ये वहाँ के भी स्टेट की जो बॉडीज है उसको भी सुपरसीड करेगा. तो ये एक हायर बॉडी हो जाती है इन केस ऑफ NCR इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन मैनेजमेंट. एंड इसके जो केसेज हैं वो सिर्फ NCT ही सुनेगी, नॉट एनी सिविल कोर्ट इज अथराइज्ड. ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं. नाउ वी विल गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन पार्ट. द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट वाज फॉर्मड बाय एन ऑर्डिनेंस, सो दिस विल करेक्ट. इट सुपरसीड ऑल एग्जिस्टिंग बॉडीज इंक्लूडिंग सीपीसीबी एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट इन मैटर ऑफ एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन. तो ये सीपीसीबी या और स्टेट गवर्नमेंट की जो बॉडीज है उनको सुपरसीड करेगा. ओनली द एनजीटी and not civil code.
will be authorized to hear the cases. सिर्फ एनजीटी इसके केसेस को सुनेगा, और कोई सिविल कोर्ट नहीं सुनेगा। जैसे कि अगर किसी को अगेंस्ट जाना है तो वो यहाँ सिर्फ एनजीटी में जाके केस फाइल कर सकता है। तो इसको ये सीएक्यूएम जो है वो हमारा स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाता है, ठीक है। और इट विल बी अ परमानेंट बॉडी, इट विल हैव 20 मेंबर्स स्टैट्यूटरी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। एंड इट विल सुपरसीड बॉडी सच एज सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान। So this was about CAQM. Please after this session, please go through these slides. Have more insight. Now this is the next question. It's an ordinance. So after when it will pass through Parliament, it will become an act. So up till now, it is an ordinance. So everybody is clear with this? Now this is the next question. Consider the following statement regarding Sundarban. Sundarban के बारे में हमें बताना है। So the options are the Sundarban mangrove forest, one of the largest such forests lying on the delta of the river of the Ganga, Brahmaputra and Meghna river on the Bay of Bengal. Second, according to census conducted for the year 1920, the number of Royal Bengal tiger in the Sundarban has increased. Third option, the entire Sundarban forest is now UNESCO World Heritage Site. So we have to mark correct in this. The options are A, 1 and 2, B, 1 and 3, 2 and 3 and all of the above. So, इसमें हमें बताना है कि जो सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो लार्जेस्ट फॉरेस्ट है और वो लाई करता है गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर मेघना के कन्फ्लुएंस पर। और सेकंड स्टेटमेंट है कि ये टाइगर सेंसेस के हिसाब से, नॉट टाइगर सेंसेस, टाइगर सेंसेस के हिसाब से जो सुंदरबन में टाइगर इंक्रीज किए हैं अकॉर्डिंग टू। So, and third option was entire Sundarban mangrove forest is UNESCO. So, we have to mark it. So, anybody want to answer this question? Authorizing D. Any more answers? So, we will look at the options now. ऑप्शन को देखते हैं, जैसे कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ये गंगा ब्रह्मपुत्र एंड मेघना के कन्फ्लुएंस पर ही लाई करता है, ठीक है। एंड सेकंड इज आल्सो करेक्ट, अकॉर्डिंग टू देयर सर्वे रॉयल बंगाल टाइगर इज हुए सुंदरबन में। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग दैट इट इज नाउ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, व्हिच इज करेक्ट, बट the entire Sundarban forest is not under UNESCO head World Heritage. Now we will look at the solution, okay. So third statement is there four protected areas jo ki hai Sundarban West, Sundarban South, Sundarban East and Sundarban National Park. So ye jo sites hain Sundarban ke andar four protected areas hi UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर आते हैं, नॉट एंटायर सुंदरबन, पूरा सुंदरबन नहीं आता है, सिर्फ फोर साइट्स आती हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। बाय एलिमिनेशन इफ वी मार्क थर्ड इनकरेक्ट एंड वी विल बी गेटिंग आंसर ए, 1 and 2, तो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। तो अभी सुंदरबन तक ये क्लियर होता है, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। So this is the next question. Yeah, my next question about Geological Survey of India. So it was established in 2006 as a premier organization in geological research and studies. Second,
The activities of Geological Survey of India are coordinated by Conservation and Survey Division in the Ministry of Environment, Forest and Government of India. Which of the following is correct? इसमें से करेक्ट बताना है कौन सा है. तो ऑप्शंस ये है 1 2 बोथ 1 एंड 2 नाइदर 1 एंड नॉट 2. यू हैव टू मार्क योर करेक्ट आंसर इन. सो एनीबॉडी वांट टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन कैन अटेम्प्ट. Please attempt this question. Ramesh is saying B. D is saying A. B. That's the answer. Answer has been. Now we will see the solution. So the correct answer in this is B. B करेक्ट आंसर. बी हमारा करेक्ट आंसर है. फर्स्ट स्टेटमेंट कैसे गलत हो जाता है वो है कि ये 1961 में क्रिएट हुई थी, 1960 इस वजह से. ठीक है, तो अभी हम ऑप्शन को देखते हैं. तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1961 एंड इट इज प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन जूलॉजिकल रिसर्च में ये प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है. स्टडी करता है अबाउट फौना ऑफ एनी रीजन. फौना मीन्स एनिमल्स, जो फ्लोरा और फौना होता है उसमें फौना के लिए स्टडी करता है ये. और एक्टिविटीज ऑफ जीएसआई, जो एक्टिविटीज है जीएसआई की वो कोऑर्डिनेटेड बाय कंजर्वेशन एंड सर्वे डिवीजन. ये वाली जो सर्वे डिवीजन है जिसकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर आती है. और इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये सर्वे करता है फौनल रिसोर्सेज का, उनकी टैक्सोनॉमी, स्टेटस ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड अनदर फैक्टर्स. की ये जो रेड बुक डेटा है IUCN की, ऐसी ही ये खुद की भी एक रेड बुक बनाता है जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में बताता है. तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑल्सो रिलीजेज अ रेड बुक डाटा सिमिलर टू दैट ओनली. और ठीक है, ये सब एनिमल्स पर बनाता है. इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1983 में, ये पहली बार पब्लिश हुई थी. तो दो तीन फैक्टर्स में याद रखना है कि ये भी एक अपना रेड बुक डाटा बुक टाइप है और ये प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है फॉर रिसर्च इन फौनल फौना के बारे में, एनिमल की रिसर्च के लिए प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है. दिस वाज अबाउट जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. नहीं, ये Established in 1961. So, it was established in 1961. So, independence cut. So, planning. वो एएसआई के बारे में हो सकता है, वो 1861 में जैसे बना था, वो प्री इंडिपेंडेंस है ना. तो सभी लोग क्लियर है ना अभी इसके बारे में. एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. तो दिस वाज अबाउट सुंदरवन, सेकंड स्टेटमेंट ऑफ सुंदरवन. With reference to Sundarban, consider the following statement. Five protected areas in the Sundarban are listed at UNESCO World Heritage Site. It is the largest single block of tidal halophytic mangrove forest in the world. So we have marked this. The options are 1, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. So we have to mark correct on this. अभी ये second question है Sundarban पर, तो बहुत easy हो जाएगा ये mark करना. प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन. और अभी जो है हमारी पीटी 365 भी आ गई है, तो वी विल लुक कि इसको कैसे इसमें करना है फ्रॉम नेक्स्ट क्लास. ओके, प्लीज आंसर.
रमेश इज सेइंग बी. सिंह तो द करेक्ट आंसर इन दिस इज बी. बिकॉज अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि सिर्फ फोर प्रोटेक्टेड एरिया है सुंदरबन, पर जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है. प्रीवियस क्वेश्चन में ये भी देखा था ना. तो फर्स्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है. यस मैसूर. तो ऑटोमेटिकली स्पेन वाला हमारा बच. ठीक है, तो ये हेलोफाइटिक होते हैं कि सॉल्ट टॉलरेंट, सॉल्ट टॉलरेंट जो प्लांट होता है. तो एवरीबॉडी इज नोस कि मैंग्रोव जो है वो टाइडल जोन पर मोस्टली पाए जाते हैं. तो वो ओशियन या सी का वाटर आता है तो वो सॉल्टी होता है, इस वजह से ये हेलोफाइटिक मैंग्रोव फॉरेस्ट हो जाते हैं, तब ये सॉल्ट टॉलरेंट हो जाते हैं ऑटोमेटिक. ये भी हमारा करेक्ट होता है इसमें. तो द सुंदरबन इज अ नेचुरल रीजन इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश. चलिए, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों में है. और इट इज द लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक ऑफ टाइडल हेलोफाइटिक मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड. द सुंदरबन कवर अप्रोक्सीमेटली 10,000 स्क्वायर किलोमीटर, ऑफ विच 60% जो है वह बांग्लादेश में है. तो बांग्लादेश हैज मोर एरिया अंडर सुंदरबन एंड रिमेंडर जो है 40% वो इंडिया के पास है. ठीक है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें हमारी फोर एरिया ही जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आते हैं. तो ये वाला क्लियर होता है हमारा. अब नेक्स्ट टाइम द सुंदरबन विल बी इजी फॉर अस. नाउ वी विल मूव नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. इट इज एन इंटरनेशनल एनवायरमेंटल टीम डिसीजन मेकिंग. इट्स डिसीजन मेकिंग बॉडी द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीट एनुअली. प्रोग्रेस इन डीलिंग विद चेंज 2020 द UNFCCC has 192 signatory parties. Mark करना है करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए 1 एंड 2, बी 2 एंड 3, सी 1 एंड 3, डी ऑल ऑफ द अबव. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से. कोई भी बॉडीज UNFCCC एंड CBD ये सब मिस नहीं कर सकते एनवायरमेंटल रिलेटेड. रमेश इज सेइंग बी ए सॉरी ए 1 एंड 2. If anybody want to answer this question, can attempt this. There is saying A. So correct answer is A only. बिकॉज इट डोंट है इसमें. ये जो 192 मेंबर्स हैं ये 197 एक्चुअली यूपीएससी से क्वेश्चन नहीं पूछता है रिलेटेड टू सिग्नेटरी पार्टीज, बट थोड़ा मैंने रिवीजन ऐड कर दिया. इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी विच इज करेक्ट. सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी कॉप. ये भी करेक्ट है, एनुअली मीट होती है. तो अभी जो लेटेस्ट कॉप हुई थी वो जनवरी 25, 2021 बोलते हैं जीएस ऑनलाइन क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट ऑनलाइन. इस बार कोरोना की वजह से क्लाइमेट समिट जो है वो हमारी वर्चुअल चली गई है. एंड इट वाज कॉप 26. सो इट हैज 197 मेंबर्स. एवरी ईयर कंडक्ट होती है. तो ये था हमारे UNFCCC के बारे में. Now we will solve the next MCQ. Consider the following statement regarding Nilgiri Biosphere Reserve. The Nilgiri subcluster is a part of Western Ghat, which was declared a World Heritage Site by UNESCO in 2012. 2012 में जो है नीलगिरी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया था. Now second row. It is the largest protected forest in India, spanning 5 states. Third option.
It includes the Aralam, Dumalai, Murthi, Nagarhol, Pandipur, and Silent Valley. Which of the following are correct? So, you have to know which correct answer is. The options are 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, and 1, 2, 3. Please answer this question. Melody C. Shashidhar is also saying C. To C. Okay. If anybody wants to answer, can answer this. So the correct answer in this is C, because it was it is not in five states, three states: Kerala, Tamil Nadu, and Karnataka. Okay. So ये नीलगिरी को 2012 में जो है हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था. And it includes this area. So we will look at the map now. So this is the map of Nilgiri Biosphere Reserve. So Nagarhol, Bandipur, Karnataka wala side, and then Muthumalai, Nilambur, and Tamil Nadu, Puttiyar, Puttiyar Latur, Tigur, and Mukurti, Island Valley, Attapadi. This is about about Nilgiri. Nilgiri, तो ये सब time assessment group होती है, ठीक है? तो we have C is the correct answer in this. Now we will move to the next question. It is also related to this Nilgiri only. Arrange the national park in the direction from north to south. Arrange करना है. Nagarhol National Park, Silent Valley National Park, Murthi National Park. We have to select correct in this. So arrange this in north to south direction. Very easy question for you, because हमने पिछली slide में देखा इसका मैप. Please answer this question. Ramesh is anybody more who want to answer this question? So we will not waste time in waiting. Okay. Shashidhar is saying C. The correct answer is C. Now we will look over map. So देखिए Nagarhol जो है वो north में पहले हो जाता है. Then we have Mukurti and we have Nagarhol. So for, by arranging in north to south direction, we will get first Nagarhol, then Mukurti, then Nagarhol. So C is the correct option. Now we will move next question. Now ये हमारा last year का question है 2020 का. Yeah. So with reference to Indian elephant, consider the following statement. The leader of an Indian group. The leader of an elephant group is a female. So leader elephant is a female. The maximum gestation period can be 22 months. An elephant can normally go on calving till the age of 40 years only. Among the states where the highest population is in Kerala. Which of the following are not correct? Options are 1 and 2, 3, 4, 3 only, 1, 3, 4. So we have to mark the answer. Anybody want to answer? Ramesh is A. Now, ये थोड़ा बहुत flexible data था sims में. Most of them, बहुत लोगों ने ये incorrect किया था, including myself. So the correct answer in this is, तो पहले तो हमें इसमें key statement देखना है कि ये not correct पूछा है, तो हमें इसमें से not correct निकालना है, ठीक है? So the correct answer for this will be B, because leader of elephant group जो है वो होता है, ये करेक्ट है. ठीक है, देन द मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड जो है वो 22 मंथ्स
करेक्ट है, लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है कि एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कार्विंग टिल द एज ऑफ 40 स्टिल नॉट करेक्ट बिकॉज़ इट इज नियरली 50 इयर्स एंड अमंग द स्टेट इन इंडिया द केरला नो इट इज कर्नाटका ओके कर्नाटका हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एलिमेंट्स नाउ वी विल लुक एट द सॉल्यूशन Statement 1. The leader of a group is the oldest female. So, first statement is correct. She guides the herd in the search of food and water so that matriarchal head can occasionally divide into smaller groups. Second, 22 months is of elephant. Now, third statement. It stopped bearing calves at अबाउट 50 एज में ये स्टॉप कर देता है काल को बियर करना ठीक है और ये स्टार्ट करता है स्टार्ट होता है और एवरेज लाइफ जो है एलिफेंट की 70 ईयर है पर उनकी जो कालविंग एज है 50 तक है 40 वाज एन इनकरेक्ट आंसर तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाता था साउथ इंडिया फिर हमारा कर्नाटका जो है उसके पास सबसे हाईएस्ट है फिफ्थ केरला है तो सेकेंड स्टेट है केरला है विद रिगार्ड टू एलिफेंट तो दीज टू स्टेटमेंट वर रॉन्ग सो करेक्ट आंसर वाज बी तो बी वाज द करेक्ट आंसर तो वी आर क्लियर विद दिस अपटिल नाउ बट वी हैव ओनली वन और टू क्वेश्चंस लेफ्ट नाउ moving to the next question. This is about turtle. So, consider the following statement. Tortoise and turtle are both reptiles. Tortoise live some or most of the time in the water, while turtle live on land. Tortoise are herbivorous, while turtle can be both herbivorous and carnivorous. Which of the following given statements are not correct? The options are 1 and 3. 2 only, 2 and 3 and 1, 2, 3. So we, so if anybody want to answer, can answer. For me, it's the same C. Anybody, Anshika is saying A. So, up till now we get two answers which are different. So now we will see the statements. Tortoise and turtle are both reptile. So this statement is they both are reptile. Okay. So abhi dekhte hain second statement. Tortoise live some or most of the time in the water, but turtle live on land. So ye wala jo hai wo incorrect ho jata hai. Agar ye statement aata bhi nahi hai, to hum ek गैस लगा सकते हैं कि जो हम लोग पढ़ते हैं ना ऑलिव रेडरी टर्टल्स टर्टल्स लैंड पर भी आते हैं फॉर गिविंग देयर एग्स एंड मूव टू सी तो लैंड वाटर टर्टल कैसे समझ में आ सकता है क्योंकि ऑलिव रेडरी टर्टल्स हमने पढ़ा होता है तो इससे हम ये गैस कर सकते हैं तो सेकंड स्टेटमेंट इस वजह से हमारा इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि जो है टर्टल वो सी एंड लैंड पर रहते हैं और टर्टल्स लैंड पर रहता है तो सेकंड ऑप्शन को हम यहाँ पर इनकरेक्ट मान सकते हैं एंड इसमें कीवर्ड भी नॉट करेक्ट था तो नॉट करेक्ट हो जाता है ये भी याद रखना पड़ेगा पहले तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होता है मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला ऑप्शन हमारा सही है टर्टल एंड टॉर्टोइस आर बोथ रेप्टाइल्स तो ये वाला हमारा सही होता है ये दोनों रेप्टाइल्स होते हैं तो फर्स्ट को हम अगर एलिमिनेट करते हैं ये करेक्ट है तो ऑप्शन में 2 एंड 3 का बचता है ठीक है तो थर्ड ऑप्शन जो है वो है कि टॉर्टोइज आर हर्बीवोरस व्हाइल टर्टल कैन लिव कैन बी बोथ हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट तो द आंसर इज बी सेकंड वन यस आंसर सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर थैंक
एमएस इज ऑल्सो करेक्ट. चलो ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज बी. प्लीज इग्नोर दिस क्वेश्चन. बी इसके बारे में, टर्टल के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन है जो कि आप स्लाइड्स में गो थ्रू कर लेना एक बार. नो सी इज इनकरेक्ट. ओके आंसर इज बी. एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस ना, सो दैट वी कैन मूव टू द लास्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन. Please type Y if you are clear with this. So we will move to the next question now, because no answer, I think all of you are clear with this. So consider the following statement. Yeah. अब बताना है कि इनमें से हम किस नेशनल पार्क के बारे में बोल रहे हैं. It is located on the north bank of Brahmaputra River. It is the only stronghold of rhinoceros on the north bank of Brahmaputra River. It is also known as Mini Kaziranga National Park. So we have to mark कि हम किस नेशनल पार्क के बारे में रेफर कर रहे हैं. Anybody want to answer, can answer this. We have 1 minute to answer this. Ramesh is saying A. एक बार जो स्टेटमेंट है उसको केयरफुली रीड करना. ओके ये पूछ रहा है, इट इज लोकेटेड ऑन नॉर्थ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर. शशिधर इज सिंह, हाउ वी विल लुक एट द आंसर, बिकॉज आंसर इज सी. So Orang National Park is located on the north bank of Brahmaputra River in Darang and Sunetpur district of Assam. This park has rich flora and fauna, including great Indian one-horn rhinoceros, pygmy hog, elephant, wild buffalo, tiger. It is the only stronghold of rhinoceros on the north bank of Brahmaputra River. Okay. It is the only This is about Dibru Saikoba National Park. It is located in Arunachal Pradesh. It lies on the bank of Dibang River. It is the largest Salix swamp forest in northeastern India. We have to mark not correct. 1 and 2. 3 only. 2 and 3. 1, 2, 3. Yes, Ramesh is wrong. Clear or not? डाउट तो नहीं है ना अभी, बस स्लाइड फिर से देख सकते हैं. तो प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन.
answer in this, how do you want to answer this question? Okay, right. तो ऑप्शन को देखते हैं. इट इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश. शशिधर सिंह है. तो इट इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश विच इज इनकरेक्ट. इट इज लोकेटेड इन आसाम. सेकंड स्टेटमेंट इज इट लाइंग ऑन द बैंक ऑफ देवांग रिवर. तो अगर ये आसाम में होता है तो ये जो ब्रह्मपुत्र ट्रिब्यूटरी है वो दिबांग जो है वो ऊपर नॉर्दर्न साइड मिलती है. ठीक है, तो आसाम दिबांग देन लोहित कम. तो इस वजह से कैसे आ सकते हैं, ये तो थोड़ा ऊपर होगा और यहाँ हमारा जो है वो दिब्रू साइड होगा है. ठीक है, तो ये भी हमारा गलत आता है. तो करेक्ट आंसर थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट. और इट इज लार्जेस्ट सिलेक्ट स्वयं फॉरेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. तो दिब्रू साइड होगा नेशनल पार्क. इज अ नेशनल पार्क इन आसाम. यू नो एंड लोकेटेड इन डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना, ये बहुत एमसीक्यू में पूछता है मॉक्स में स्पेशली. द पार्क इज बाउंडेड बाय ब्रह्मपुत्र एंड लोहित रिवर. ठीक है, तो मैंने बताया ना कि ये जो यहाँ दिबांग रिवर से अपर अरुणाचल की साइड पड़ती है और लोहित रिवर जो है वो आसाम और अरुणाचल को टच करती है. इस वजह से ये जो है ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता था. वहाँ लोहित रिवर रिलेटेड विद साइक होगा. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट. हिंदी कंसिस्ट ऑफ मिस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट मॉइस्ट मिस्ट डेसीडियस ग्रीन ब्रेक एंड ग्रासलैंड. लार्जेस्ट सेलेक्ट स्वयं फॉरेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. तो इस वजह से हमारा थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होता है. वन एंड टू वाज रॉन्ग. तो आंसर वाज ए. ठीक है, तो नाउ वी आर डन विद दिस क्वेश्चन. तो क्लियर ना, नो डाउट इन दिस क्वेश्चन. सब क्लियर है. Now moving to the next, consider the following statement regarding sites. Sites के बारे में बताना easily. ये बहुत common एक क्या कहते हैं body हो गई है जो it is administered by United Nations Environment Program. ये UNEP administer करता है इसको. Site is non-legally binding on the state party to the convention. ये non-legally binding है to the convention. Jasnail is also seeing the so first statement you have with इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू रेगुलेट वर्ल्ड वाइड कमर्शियल इन. तो कंफर्म डेट इट इज आईयूसीएन है, इसमें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम नहीं है.
इसमें लिखा है इज एडमिनिस्टर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसके हिसाब से तो यूएनएपी होता है, और साइट जो है वो लीगली बाइंडिंग है टू कन्वेंशन ऑफ पार्टीज के लिए, और इसमें तीन अपेंडिक्स होते हैं। बट आई थिंक आंसर इज ए। इस बारे थोड़ा डाउट में होता है, मैं इसको अगली बार कंफर्म कर दूंगा। इसका ऑप्शन डी या ए में जो है, वैसे मोस्टली करेक्ट आंसर इज ए, बिकॉज ये बहुत ऑथेंटिक सोर्स से मैंने लिया है, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी एक बार मैं नेक्स्ट कंफर्म कर दूंगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। द रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। कंपेयर टू असेसमेंट ऑफ 2017 देयर इज इंक्रीज इन टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया वाइज, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश। We have to ask correct answers. Please answer this question. Please attempt this last question. Interesting. So, first is incorrect. So, ये publish कौन करता है? अच्छा बता comment box में। अगर FRI नहीं करता है, तो who publishes this? Forest Survey of India publish करती है। And the second statement is compared to 2017, there is increase in the forest, is also correct. It is why Madhya Pradesh has the largest forest cover in the country, followed by Arunachal. So the option D gets automatically correct by LX statement of our incorrect hota hai, and second and third are correct. So that's all for today. Now we will end this session. All the best.